हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने लगी हूँ, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए. नया साल आ गया है तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को आज कुछ नया ही सिखाती हूँ. हर कोई चाहता है कि ये साल हमारा कैसा होगा, ऐसा हम जाने. आपका ये साल कैसा होगा अगर आप ये खुद जान सकें तो कितना अच्छा हो. आप लोग YouTube खोलते हो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं कुछ बोलूँगी और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ बोलेगा और कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट कुछ बोलेंगे. आप सबकी बातें सुनेंगे फिर कंफ्यूज होंगे. तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को खुद ही क्यों ना सिखाऊं कि कोई भी साल आपके लिए कैसा होगा, ये आप खुद जाने. 2020 हम लोगों के लिए कुछ ऐसा छोड़ गया कि एक डर, एक सहमापन, एक निराशा हर एक के मन में बसी हुई थी. कब ये साल जाएगा, कब कोरोना जाएगा. कोविड ने हम सब लोगों को बहुत डराया है लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी है. ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई बुरी चीज़ आती है तो उसके पीछे एक अच्छी चीज़ ज़रूर आती है. कभी भी कोई बुरा समय आता है तो अच्छा समय आना निश्चित है. दिन है तो रात है, रात आती है तो दिन भी आएगा. तो ये तो प्रकृति का नियम है, इसके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं ये हम ज़रूर आज जानेंगे. मैं आप लोगों को एक कोशिश कर रही हूँ ये सिखाने की कि कोई भी साल, कोई भी समय आप लोगों के लिए कैसा है, आप ये खुद जाने. हमारे बर्थ के साथ ही हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, एक नंबर. वो नंबर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सबसे पहले आप ये सीखिए कि वो नंबर हम काउंट कैसे करेंगे. हमारी डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार फिर बताती हूँ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर, किसी का एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर वो डबल डिजिट में आता है तो हम उसको प्लस कर लेते हैं. जैसे किसी का 12 है तो 1+2 3 हो गया, किसी का 25 है तो 2+5 7 हो गया. ऐसे आप एक डिजिट का पहला नंबर ले लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों का मोस्ट लकीएस्ट नंबर होता है. उसके बाद अपनी डे, मंथ एंड ईयर को टोटल कर लीजिए. उसके बाद जो आपके पास नंबर आए उसको फिर वापस सिंगल डिजिट पे ले आइए. तो आपके पास दो नंबर हो गए. एक कहलाता है मूलांक, आपका पहला नंबर, फर्स्ट नंबर आपका, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो कहलाता है भाग्यांक, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर. आपके पास दो नंबर आ गए. आज मैं ये बताऊंगी आपको कि आप कैसे जाने कि ये साल आपके लिए अच्छा है. ये साल यानी कि 2021. 2021 का टोटल होता है 5, 2+2+1 5 हो गया. यानी कि एक नंबर तो हमारे पास आ गया, यूनिवर्सल नंबर जो सबका के लिए 5 आया है 2021. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 5 नंबर की क्वालिटीज क्या है, यानी कि ये साल सबके लिए क्या लेकर आया है. 5 नंबर की क्वालिटीज हैं कि ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, मन मौजी लोग होते हैं, बैलेंस का नंबर है ये, ऐसे लोग सबके साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं. बुध इसका ग्रह है. बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है तो ऐसे लोगों का मन बहुत तेजी से चलता है, बुद्धि का नंबर है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं और मन इनका भटकता भी है कई बार. कई बार इन लोगों को थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. कोई भी ग्रह मिला जुला फल देता है, कुछ अच्छा होगा तो हल्का सा कुछ बुरा भी होगा. तो अब ये साल ऐसे नंबर पर आया है तो सबसे पहले इस साल जिन लोगों को फायदा होगा, जिस इंडस्ट्री को फायदा होगा, वो जहां तक मैं सोचती हूँ टूर एंड टूरिज्म, जो कि पिछले साल बिल्कुल ठप हो गया था. इस साल क्योंकि ट्रैवलिंग पे हमारा ईयर आ गया है तो ये साल में टूर एंड टूरिज्म वालों को बहुत फायदा होने वाला है. आप खुद देखेंगे कि ये साल में लोग जो है बहुत घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल सब
कहते ना डर के सताए हुए अपने घरों में छुप कर बैठे थे, तो इस साल जो है लोग अपने घरों से निकलना शुरू करेंगे, यानी कि जीवन में रफ्तार आनी शुरू होगी। तो अब आप कैसे जानेंगे कि आपके लिए ये साल कैसा है? आपको मैंने अभी बताया कि एक नंबर आपका मेन नंबर होता है मूलांक और एक टोटल नंबर होता है भाग्यांक। तो अब आप देखिए कि नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी आपके नंबर के साथ कैसी है। बहुत ध्यान से सुनिए इसे। अगर उसकी कंपैटिबिलिटी आपके नंबर के साथ अच्छी है, दोनों नंबर्स के साथ, मूलांक के साथ भी भाग्यांक के साथ भी, तो ये साल आपके लिए बेस्ट ईयर है, आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। लेकिन अगर उसकी कंपैटिबिलिटी आपके मूलांक के साथ अच्छी है और भाग्यांक के साथ अच्छी नहीं है, और या आपके भाग्यांक के साथ अच्छी है और मूलांक के साथ अच्छी नहीं है, तो ये साल आपका 50-50 मिला जुला रहेगा, कुछ अच्छा कुछ ठीक ठीक मिश्रित। बट अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नंबर 5 के साथ ना मूलांक की अच्छी है ना भाग्यांक की अच्छी है, तो इट मीन्स आपका ये साल आपको संभल के चलना चाहिए, कुछ नया नहीं करना चाहिए, थम जाना चाहिए। बस ये सिंपल सी बात है, आपको ये जानना है कि नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी किन नंबर्स के साथ अच्छी होती है, और अपना मूलांक और भाग्यांक निकालिए और देखिए कि कैसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन नंबर्स के साथ मूलांक, आपका क्या मूलांक है, आपका क्या भाग्यांक है, और उसकी कंपैटिबिलिटी 5 के साथ क्या है। 5 के साथ अच्छी है तो साल अच्छा है, 5 के साथ मिश्रित है तो साल मिश्रित है, और 5 के साथ बुरी है तो फिर अभी ये साल भी आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 हमारा यूनिवर्सल नंबर आ रहा है, और नंबर 1 वालों से शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा साल, और नंबर 5 क्या उनके लिए कंपैटिबल है। यस, नंबर 1 वालों के लिए नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी बेस्ट मानी जाती है, यानी कि नंबर 1 वाले आप लोग तो खुश हो जाइए, ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, आप लोगों के रुके हुए काम बनेंगे, आप लोग बहुत तरक्की करने वाले हैं, और जो जो आपने सपने देखे होंगे, हो सकता है इस साल और अगले साल आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। तो चलिए अब सेकेंड नंबर आता है नंबर 2। चलिए नंबर 2 को बताने से पहले नंबर 1 वालों के लिए मैं ये बताती हूँ एक एक टिप कि आप लोगों को इस साल में क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि आपका भाग्य और उदय हो और नंबर 5 आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सके, यानी कि ये साल जो नंबर 5 पे आया है वो आपको फायदा दे सके। तो नंबर 1 वाले, आप सूर्य को जल जरूर दीजिए और गाय को चारा खिलाइए। ये दो उपाय करने से आपको ये साल बहुत कुछ देकर जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, और बुध जो है उसको हम पुत्र के रूप में मानते हैं। तो कैसी होती है इनकी कंपैटिबिलिटी? इनकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा रानी है और जो बुध है वो प्रिंस है, तो नेचुरल है ये कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। अब ये कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो यानी कि 2 नंबर वाले, आप थोड़े से इमोशनल तो रहेंगे, आपको एक डर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन नंबर 2 सेंसिटिव नंबर है, मन का कारक है, और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, वो भी बुद्धि से काम करने वाला ऐसा ग्रह है, वो भी मन को कई बार भटकाता है। तो थोड़े आप लोगों को सोच बहुत होगी, लेकिन आप घबराइए मत, अंत बहुत अच्छा होगा, यानी कि रिजल्ट्स आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। तो इस साल ज़्यादा सेंसिटिव मत होइए, अपनी बुद्धि से काम कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ऐसा मान के चलिए। अब अगर नंबर 2 वाले, आपको भी टिप दे दूँ पहले मैं, चलिए आपको भी टिप देती हूँ। आप लोग दूध का और चावल का दान कीजिए इस साल, और साथ में गाय को चारा खिलाना मत भूलिए। तो बस ये 2 उपाय कीजिए और ये साल के एंड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाइए। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 वालों की। नंबर 3 बृहस्पति और बुध। बृहस्पति जो ज्ञान का नंबर है और बुध जो बुद्धि का नंबर है, इनकी कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक होती है, नॉट बैड नॉट गुड। तो ये साल आप लोगों के लिए ठीक ठाक जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल बहुत तरक्की कर सकते हैं। ज्ञान का नंबर है, जो पढ़ाई में है, पढ़ाई के जो ऑक्यूपेशन ऐसा है जिनका, उन लोगों को फायदा होना निश्चित है।
बाकी सबके लिए साल नॉर्मल रहेगा। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को पीली चीजों का दान करना चाहिए इस साल, और हरी चीजों का भी दान करना चाहिए, या फिर गाय को चारा खिला सकते हैं। नंबर फोर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। क्यों? राहु का नंबर है, राहु जो है वो भी बुद्धि का कारक है, वो भी दिमाग से सोचता है, जिद्दी है, और बुध जो है वो भी बुद्धि का कारक है, वो भी कई बार उसके मन में बहुत विचार चलते हैं, तो दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, नहीं मानते एक दूसरे की। तो ये नंबर जो है उसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानती। वैसे नंबर फाइव का कोई भी एनिमी नंबर नहीं है, नंबर फाइव वाले इसलिए हमें बहुत लकी मानती हूँ, उनका कोई एनिमी नंबर नहीं है, लेकिन हाँ किसी के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी के साथ कम अच्छी होती है। अब ईयर आया है फाइव पे, फोर के साथ थोड़ी ठीक ठीक कंपैटिबिलिटी है, तो फोर वाले जो हैं आप लोगों को इस साल हरी चीज़ों का दान जरूर करना है, साथ साथ सिल्वर का कड़ा जरूर पहन के रखिए आप लोग। आप फोर नंबर के हैं, फाइव के ऊपर आया, रिजल्ट्स आ सकते हैं, बुद्धि से काम लीजिए, भावावेश में कुछ मत कीजिए, इमोशनल मत होइएगा इस साल, हर कदम सोच समझ के उठाइएगा, बहुत मन में सोच विचार के बाद ही अपने काम करिएगा, और ये टिप्स जरूर याद रखिए। नंबर सिक्स जो है वो ऐशो आराम का नंबर है, और बुध उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट मानी जाती है। बुध ट्रैवलिंग का नंबर है, बुध ऐसा है जो मनमौजी नंबर है, वो घूमने फिरने में विश्वास रखता है बहुत ज़्यादा, तो पैसा तो उसको चाहिए ना, यानी कि होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इस साल अच्छा जाएगा। अब ये दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छे होने के कारण अगर आप नंबर सिक्स के हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक, तो आप मान लीजिए कि इस साल आपको पैसा अच्छा मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे जो पिछले साल हो सकता है आपके अटक गए हों, आप लोग घूमने फिरेंगे, आप लोग ऐश करेंगे, बाहर जाने का प्रोग्राम, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब आप लोगों का हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को शुक्रवार वाले दिन किसी भिखारी को कोई सफ़ेद रंग की चीज़ खिला दीजिए, और क्योंकि बुध के ऊपर आया है ये साल, तो गाय को हरा चारा वेंसडे को जरूर खिलाइए, हरी चीज़ों का दान भी आप लोग कर सकते हैं। हरी चीज़ों का दान में आप कहेंगे अब क्या करें हम, आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं किसी गुरुद्वारे या मंदिर में लंगर में दान दे सकते हैं, गाय को भी पालक खिला सकते हैं, या फिर हरे रंग का कुर्ते का कपड़ा खरीदिए और पंडित जी को दान कर दीजिए, ऐसी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, हरे मूंग साबत होते हैं, उसको आप बुधवार वाले दिन पंडित जी को मंदिर में दान कर दीजिए। तो ये बुध के उपाय होते हैं जो इस साल आप लोगों को करने चाहिए। नंबर सेवन जो है वो है केतु का नंबर, सेंसिटिव नंबर है, लेकिन बुद्धि का कारक है, विद्या का नंबर है, और रिसर्च का नंबर है, और उसकी कंपैटिबिलिटी फाइव के साथ ओके होती है, नॉट बैड नॉट गुड। तो ये साल आपके लिए ओके जाएगा, आप इस साल को अच्छा निकाल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के नंबर के ऊपर आया, आप रिसर्च कोई भी काम में करना चाहेंगे, ओकल्ट साइंस वाले इस साल जो है आप लोगों को कोई भी रिसर्च करिए, कोई भी ऐसा काम करिए, तो आप लोग बहुत सफलता पा सकते हैं। आप लोगों के लिए भी टिप यही है, सिल्वर पहनिए और साथ में शिव मंदिर जाइए, शिव आपका कल्याण करेंगे, जल चढ़ाइए शिव जी को, और साथ में हरी वस्तुओं का दान करना या गाय को चारा खिलाना तो इस साल कंपलसरी है। नंबर एट के साथ नंबर फाइव यानी कि यूनिवर्सल नंबर जो इस साल आया है उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। नंबर एट एक स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, वैसे ये प्रॉपर्टी और मनी का नंबर है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमाग से काम करते हैं, सोच समझ के हर चीज करते हैं और न्यायप्रिय होते हैं, और अगर इनके स्ट्रगल को कोई बैलेंस कर सकता है तो वो है नंबर फाइव, यानी कि नंबर एट वाले आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि ये ईयर आपको बहुत कुछ देने के लिए आ गया है। आप लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बेस्ट माना जाएगा,
यानी कि जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी हैं उन लोगों का ये साल अच्छा जाएगा, आप लोगों के रुके हुए काम बनेंगे, आप लोग जो भी चाहते हैं इस साल आप पा सकते हैं। इस साल आपको कौन से उपाय करने हैं, तो आप शनि के दान तो करिए ही करिए, आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का दिया जलाना है वो भी शाम के समय, और हरी वस्तुओं का दान करना या फिर गाय को चारा खिलाना, ये तो इस साल मैं बताती ही आ रही हूँ। इसके बाद हम 9 नंबर के लिए बोलेंगे, जिनका भी मूलांक या भोग्यांक 9 है तो 5 नंबर की कंपैटिबिलिटी आपके साथ कैसी है। 5 नंबर के कंपैटिबिलिटी को मैं ओके बोलती हूँ, 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि 5 नंबर हर एक के साथ बैलेंस कर लेता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप लोगों का मूलांक या भाग्यांक 5 है तो आपके काम कुछ होंगे, हो सकता है ये साल आपको मैरिज जिनकी नहीं हुई है वो करा दे, या फिर हो सकता है कि ये साल में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि एनजीओ वाले जो हैं उनको बड़ा फायदा होने वाला है, एनजीओ जो चलाते हैं उनको इस साल फायदा हो सकता है, या बिजनेस करते करते हैं 9 नंबर वाले उनको फायदा हो सकता है, ऐसे लोगों को इस साल में ज़्यादा फायदा होगा। ये साल आप लोगों को ट्रैवलिंग करा सकता है, तो 9 नंबर वाले कुछ अच्छा कुछ मिश्रित सा ये साल आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, लाल रंग का मौली अपने हाथ में बांध के रखें, और साथ में हरी वस्तुओं का दान करना, गाय को चारा खिलाना, ये तो मैं हर एक को बताती आ रही हूँ, तो आपने भी करना है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि 5 नंबर के साथ किस नंबर की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। अब निकालिए अपना मूलांक और भाग्यांक, और मेरे वीडियो को बार बार देख के ये जरूर देखिए कि क्या आपकी कंपैटिबिलिटी इस नंबर के साथ अच्छी है, और खुद ही जान लीजिए कि ये साल आपका कैसा जाएगा, और जो मैंने टिप्स बताए हैं वो जरूर करिए ताकि आपका लक और इन्हेंस हो। बस इसी कामना के साथ कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, पिछले साल की हर बुरी याद को ये मिटा दे और एक नया शुभारंभ हो, क्योंकि 5 नंबर है तो एक नए समय का, एक नए अच्छे समय का ये शुभ आरंभ जरूर करता है। तो आने वाला समय सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत कुछ लेकर आए, बहुत खुशियां दे के जाए, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ और नया, कुछ और सिखाने वाला, कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊँगी। अगर आप लोग मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज तो मेरे चल ही रहे हैं, इसके अलावा वास्तु के कोर्स में फर्स्ट वीक ऑफ फेब से शुरू करूंगी। तो जो लोग भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग जो हैं आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत आसानी से ये आप लोग कोर्स सीख जाते हैं, मेरे वो स्टूडेंट जो ये कोर्स सीख चुके हैं वो चाहें तो अपने वीडियोस बनाकर मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए दे सकते हैं कि कितनी आसानी से, कितने अच्छे ढंग से सब कुछ वो बहुत अच्छे ढंग से जान गए हैं। तो चलिए फिर आपसे इसी वीडियो को समाप्त करते हुए मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।